वालेकुम आज मैं थ्री टाइप्स के कटलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है चलो बना लेते हैं आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मुंह में घुल जाने वाला क्रीमी कटलेट क्रीमी टेक्सचर तो रहेगा लेकिन बगैर क्रीम यूज़ किए इसे बनाएंगे किस तरीके से बनाना है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना चलो बना लेते हैं मैं यहाँ पर फ्राई में डाल दी हूँ दो चम्मच तेल और यहाँ पे तेल गरम हो जाए तो इसमें हम प्याज डाल देंगे तो यहाँ पे अब चॉप किए हुए प्याज डाल दिए मैं यहाँ पे एक प्याज को कट की हूँ और इसको डालकर सॉफ्ट कर लेना है बहुत ज्यादा नहीं पकाना है इसे बस ये सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन तो यहाँ पे सॉफ्ट हो गया है प्याज तो इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे अब यहाँ पे एक प्याला डाल दिए है चिकन मैं इसको बॉइल कर ली थी अदरक लहसन डालकर और ये बॉइल हो गया था इसको रेशा कर ली थी और फिर इसको डाल दिए प्याज के साथ इसको हल्का भून लेना है बस एक मिनट के लिए इसको हल्का भून लेंगे प्याज के साथ फिर इसके अंदर अब ऐड कर देंगे मैदा डालेंगे दो चम्मच और इसको डालकर इसके कच्चापन को दूर कर लेंगे तो इसको डालकर अब भून लेना है एक मिनट के लिए मैदे का कच्चापन दूर कर लेंगे बस एक मिनट के लिए ही भूनना है मैदे को भूनते हुए यहाँ पे एक मिनट हो गया है तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप दूध ये नॉर्मली दूध है ठंडा दूध और इसको मैं डाल दी हूँ और मैदा और दूध मिलकर ये क्रीमी टेक्सचर बनाएगा और बहुत ही क्रीमी बन जाता है इससे डालने से और यहाँ पे डालने के बाद दूध को अब इसे आधा मिनट के लिए भून लेंगे बस कुछ मिनट के लिए ही भूनना है बस इसको मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे सब्जियों को यहाँ पे चिकन को ली है दूध के साथ और मैदे के साथ तो अब इसके अंदर सब्जियों को ऐड कर देंगे यहाँ पे एक शिमला मिर्ची को चॉप कर दी हूँ और गाजर को ग्रेट कर दिए हैं मोटे वाले साइड से एक गाजर लिए थे और इसको डाल देंगे और अब इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ और इसे हल्का भून लेंगे चिकन के साथ गाजर और शिमला मिर्ची को ताकि इसमें हल्का सॉफ्टनेस आ जाए बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना है बस सब्जियों को डालने के बाद एक मिनट के लिए भूनना है तो यहाँ पे एक मिनट के लिए भून लिए है सब्जियों के साथ तो अब इसके अंदर डाल देंगे बॉईल किए हुए आलू मैं यहाँ पे दो आलू को बॉईल कर ली थी और उसको मैश कर दी हूँ और इसको डाल देंगे और अब इसके अंदर कुछ मसाले को ऐड कर देंगे यहाँ पे मैं एक चम्मच ली हूँ चिल्ली फ्लेक्स और आधा चम्मच डाल देंगे अब इसमें ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम डाल दिए हैं यहाँ पे मैं काली मिर्च पाउडर और नमक डाल देंगे आधा चम्मच आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और फिर ये सब मसाले डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं तो लाल मिर्ची पाउडर भूल रही थी तो इसको डाल देंगे आधा चम्मच और अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले ऐड करने के, के बाद इसको भून लेंगे एक मिनट के लिए अच्छे से कच्चापन दूर हो जाएगा थोड़ा मसाले का तो यहाँ पे भून लिए हैं अच्छे से तो अब इसके अंदर डाल दिए धनिया की पत्ती और धनिया पत्ती डालकर इसको मिक्स कर लिए हैं और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे ठंडा हो जाएगा तो कटलेट का शेप देंगे तो जब तक ठंडा होता है तो इसको कोटिंग के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ अंडा एक अंडे को फोड़ लिए हैं और इसमें अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे एकदम थोड़ा सा चुटकी भर और इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और अब यहाँ पे कटलेट का मिक्सचर ठंडा हो गया है अब हाथों पे ऑयल लगा लेंगे ताकि चिपके नहीं और जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा आप यहाँ पे पोषण लेंगे और इसको इस तरीके से गोल कर लेंगे पहले और फिर बीच में से प्रेस करेंगे और आपको जो शेप देना है इसे दे सकते हैं तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके का शेप दूंगी लंबा बनाऊंगी थोड़ा मैदा डालने से बाइंडिंग अच्छी आ रही है आप देख सकते हैं ज़रा भी बिखर नहीं रहा है एकदम अच्छे से सेट हो गया है तो यहाँ पे इस तरीके से लंबा यहाँ पे कटलेट का शेप दे दिए है और अब इसे डिप कर लेंगे अंडे में और कोट कर लेंगे अंडे से अच्छे से कोट कर लेना है अच्छे से लगा लेना है अंडा और फिर इसको कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स से मैं यहाँ पे दो से तीन ब्रेड को सिंपली मिक्सर में पीस ली हूँ और ब्रेड क्रम्स तैयार हो गया है और इसको अब अच्छे से कोट कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो एक्स्ट्रा जो ब्रेड क्रम्स रहेगा वो निकल जाएगा और इसी तरीके से बाकी सब भी बनाकर तैयार कर, कर लिए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं बाकी सब भी बनकर तैयार हो गया है आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं एक से डेढ़ महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़र में अब इसे फ्राई करने के लिए लेके चलते हैं फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर तेल एकदम अच्छे से गर्म कर ली हूँ अच्छे से गरम तेल में इसको डाल देंगे जितना हो सके उतना डालें और यहाँ पे डालने के बाद एक सेकेंड या दो सेकेंड के लिए छोड़ दें और फिर इसको पलटेंगे और अलट पलट करके गोल्डन फ्राई कर लेना है इसकी कोटिंग अच्छी हुई है इसीलिए ये ज़रा भी बिखर नहीं रहा है ऑयल में जाने के बाद और एकदम सेट हो गया अच्छे से इसे ज़्यादा फ्राई करना नहीं पड़ता है क्योंकि सारे मिक्सर हम भून के डाले हैं जो भी चीज़ डाली है तो इसको सिर्फ फ्राई करना रहता है गोल्डन फ्राई करना रहता है तो हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करके निकाल लेंगे यहाँ पर गोल्डन फ्राई हो गया था तो इसको बाहर निकाल दिए है बाकी सबको भी इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे तो यहाँ पे सभी को फ्राई करके निकाल लिए है और हमारा मुंह में घुल जाने वाला टेस्टी चिकन कटलेट बनकर तैयार हो गया है बहुत ही टेस्टी बना है इसको तोड़कर दिखाती है आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी बना है और बहुत ही टेस्टी बना है एक बार जरूर ट्राई करना अब सभी को बहुत पसंद आएगा अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपीज की तरफ यहाँ पे अब बनाएंगे रशियन कटलेट बहुत ही स्पाइसी चटकारे दार मुंह में घुल जाने वाली और खास बात यह है की बहुत ही कम चिकन यूज करके ये कटलेट बनाए है और कम चिकन में इतने सारे कटलेट किस तरीके से बनाना है वीडियो को एंड तक जरूर देखना चलो बना लेते हैं मैं यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ एक चम्मच और तेल को फैला लेंगे कढ़ाई में ताकि चिपके नहीं चिकन तेल गरम हो गया है तो अब इसमें चिकन डाल देंगे एक प्याला और साथ में ही डाल देंगे एक चम्मच अदरक लहसन का पेस्ट और अब इसे अच्छे से चला लेंगे अच्छे से भून लेंगे अदरक लहसुन को चिकन के साथ साथ में ही नमक डाल देते हैं ताकि नमक का टेस्ट भी चिकन के अंदर चला जाए तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच नमक ली हूँ अभी बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो और लेंगे आगे चल कर तो यहाँ पर नमक डाल देंगे और खूब अच्छे से अब भून लेंगे चिकन को अदरक लहसन के साथ बहुत ही टेस्टी ये कटलेट बनता है घर में कोई मेहमान आए या फिर घर पे ही ऐसे खाने के लिए इसे ज़रूर ट्राई करना तो यहाँ पे खूब अच्छे से चिकन को भून लिए है तो अब इसके अंदर पानी डाल देंगे आधा गिलास और यहाँ पे पानी डाल दिए है और इसे मिक्स कर लेंगे और ढाक कर गला लेंगे चिकन को तो यहाँ पे ढाक कर पाँच से छः मिनट के लिए गला लेंगे चिकन के छोटे छोटे पीस किए हैं इसीलिए जल्दी ही गल जाते हैं तो यहाँ पे पाँच छः मिनट बाद चिकन अच्छे से गल गया है और पानी भी ड्राई हो गया है अगर आपके चिकन में पानी बचता हो तो ड्राई कर ले और यहाँ पर आलू मैशर है उससे मैश कर देंगे चिकन को या फिर आप अलग से बर्तन में इसको रेशा कर ले हाथों से तो मैं यहाँ पर आलू मैशर से इसको इस तरीके से मैश कर दी हूँ अच्छे से और अब इसके अंदर कुछ मसाले डाल देंगे आधा चम्मच डाल दी हूँ जीरा पाउडर और आधा चम्मच गर्म मसाला आधा चम्मच चाट मसाला डालते हुए नहीं दिखाया है आधा चम्मच चाट मसाला डाले हैं और यहाँ पे हरी मिर्ची दो कटकी हूँ बारीक उसको डाली हो और लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं मिर्ची को सारे मसाले ऐड करने के बाद भून लेंगे दो तीन मिनट के लिए मसालों को कच्चापन दूर कर लेंगे खूब अच्छे से यहाँ पर भून ली है चलाते हुए तो अब इसके अंदर कुछ सब्जियों को ऐड कर देंगे यहाँ पे मैं बारीक कट कर ली हूँ शिमला मिर्ची दो शिमला मिर्ची को बारीक कट की हूँ और एक गाजर को ग्रेट कर ली हूँ और इस सब्जियों को अब डाल देंगे चिकन के अंदर और साथ में एक प्याज कट की हुई डाल देंगे मैं यहाँ पे एक प्याज को बारीक कट की हूँ और इसको डाल दिए हैं सब्जियों डालने के बाद अब इसे अच्छे से भून लेना है और प्याज को सॉफ्ट कर लेना है सॉफ्ट होने तक इसको भून लेना है चलाते हुए यहाँ पे सॉफ्ट हो गया है तो अब इसमें डाल देंगे लींबू नीमू डालने से बहुत ही चटपटा टेस्ट आएगा और आधा ही डाले हैं नीम्बू और यहाँ पे अच्छे से निचोड़ लिए हैं नीमू को और अब इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के अंदर और यहाँ पे मिक्स हो गया है अब इसमें डाल देंगे डेढ़ चम्मच मैदा यहाँ पे एक चम्मच मैदा डाली हूँ और आधा चम्मच और डाल दी हूँ मैदा डालने से बाइंडिंग में हेल्प होता है और साथ में ही मैदा डालने के बाद इसमें दूध मिक्स कर देंगे तो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर हो जाता है कटलेट का तो यहाँ पे मैदा डालने के बाद दो से तीन मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मैदा में जो भी कच्चापन रहे वो दूर हो जाए यहाँ पे भून लिए है तो अब इसके अंदर डाल देंगे आधा कप दूध यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा कप दूध ली हूँ और इसको डाल दिए है और खूब अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे दूध के साथ और यहाँ पे दूध और मैदा मिक्स हो गया है तो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है क्रीमी बन जाता है कटलेट और बाइंडिंग में भी तो हेल्प होता ही है क्रीमी टेस्ट भी आता है तो यहाँ पर डालने के बाद खूब अच्छे से भून लेना है दो तीन मिनट के लिए यहाँ पर दो तीन मिनट के लिए भून लिए है कटलेट के मिक्सचर को तो अब इसके अंदर डाल देना है उबले हुए आलू यहाँ पे मैं दो आलू को बॉईल कर ली थी और उसको ग्रेट कर ली हूँ ग्रेटर से ताकि इसमें लम्स ना रहे और यहाँ पे डालने के बाद आलू को खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है चिकन के मिक्सचर के साथ तो यहाँ पे चलाते हुए खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे यहाँ पे खूब अच्छे से मिक्स कर लिए है तो लास्ट में अब चेक कर लेंगे नमक नमक कम लग रहा है तो इसमें डाल दी हूँ और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है कटलेट का और इसको ठंडा कर लेंगे ठंडा करने के बाद शेप दे देंगे कटलेट का कटलेट को कोटिंग के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ मैदा आधा कप और उसमें पानी डाल देंगे और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक भी डाल देना थोड़ा सा नमक डालते हुए नहीं दिखाया है और यहाँ पे खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे लम्स जरा भी ना रहे बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाएंगे स्लरी बना लिए हैं यहाँ पे मैं सेवई ली हूँ कोटिंग के लिए और ये शिरखुरमा की सेवई है उसको तोड़ ली हूँ अब हाथों पर ऑयल लगा लेना है और कटलेट का शेप दे देंगे आप कोई भी शेप का दे सकते हैं मैं यहाँ पे ओवल शेप दूंगी तो यहाँ पे इस तरीके से पहले गोल करके फिर इसको लंबा कर लेना है और फिर प्रेस करना है बीच में और इसको कटलेट का शेप दे देंगे इस तरीके का ओवल शेप आप कोई भी शेप का बना सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस तरीके का बनाई हूँ और इससे अब रख लेंगे बाकी सब भी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर, कर लिए हैं आप देख सकते हैं बाकी सब भी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर, कर लिए हैं और कितना खूबसूरत दिख रहा है माशाल्लाह और अब इसे कोटिंग के लिए लेकर चलते हैं यहाँ पर कटलेट लेंगे और अब इसे स्लरी में डिप कर लेंगे अच्छे से स्लरी में डिप कर लेना है ताकि तेल में जाकर खुले नहीं यहाँ पे स्लरी से कोट कर ली है अच्छे से और अब इस पे लगा लेंगे सेवैयाँ तो इस तरीके से सेवैया से अच्छे से कोट कर लेंगे हर तरफ से और यहाँ पे कोट कर लिए है आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से कोट कर लिए है और बाकी सब भी अब इसी तरीके से कोट कर लेंगे यहाँ पे सभी को कोट कर लिए है इसी तरीके से और इसको फ्रिज में रख दे और दो घंटे बाद फ्राई करें या फिर टाइम ना हो तो फौरन ही फ्राई कर सकते हैं मैं इसे अब रख दूंगी दो घंटे बाद इसे फ्राई करूंगी यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है और दो घंटे बाद अब इसे फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई है इसमें और हाई फ्लेम करके अलट पलट करके इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे तेल में डालने के बाद फ़ौरन ही ना चलाए पहले एक मिनट के लिए छोड़ दे ये सेट हो जाएगा तो अब इसको अलट पलट करके गोल्डन फ्राई कर लेंगे यहाँ पे सेट हो गया था तो इसके साइड्स को चेंज कर दिए हैं और इसी तरीके से अलट पलट करके गोल्डन फ्राई कर लेंगे और यहाँ पे अलट पलट करके गोल्डन फ्राई कर लिए हैं और अब इसे बाहर निकाल देंगे यहाँ पे सभी को गोल्डन फ्राई करके निकाल दिए हैं और इसमें अब दूसरा बैच डाल देंगे इसे भी फ्राई करके निकाल लेंगे और यहाँ पे हमारा टेस्टी कटलेट बनकर तैयार हो गया है बहुत ही टेस्टी बना है मुंह में घुल जाने वाला ये कटलेट बना है एक बार बनाएंगे तो इसे दोबारा जरूर बनाएंगे और इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितना क्रीमी टेक्सचर दिख रहा है अंदर से भी और इसे सर्व करें टोमेटो केचप या हरी चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी बना है थर्ड और लास्ट रेसिपीज की तरफ चलते हैं पोटैटो कटलेट इसे बनाना बहुत आसान है बिना कोई झंझट के फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं तो किस तरीके से बनाना है वीडियो को एंड तक जरूर देखना चलो बना लेते हैं मैं यहाँ पे दो आलू को बॉईल कर ली थी और अब इसको ग्रेट कर लेंगे ग्रेट करने से बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आता है जितना मैश करने से नहीं आता है तो मैश ना करें ग्रेट कर ले तो उससे अच्छा बनता है यहाँ पे आलू को ग्रेट कर लिए है तो अब इसके अंदर कुछ सब्जी को डाल देते हैं यहाँ पे मैं शिमला मिर्ची डाल रही हूँ एक शिमला मिर्ची को बिल्कुल बारीक कट की हूँ और यहाँ पे शिमला मिर्ची डाल दिए है तो अब यहाँ पे गाजर डाल देंगे एक गाजर को ग्रेट कर लिए थे और यहाँ पे आप फिर प्याज को डाल देंगे मैं यहाँ पे एक प्याज को बारीक चॉप कर दी थी उसको डाल दिए बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा मिर्ची कर सकते हैं और फिर लास्ट में इसमें धनिया के पत्ते डाल देंगे और फिर अब कुछ मसाले डाल देंगे तो यहाँ पे मैं ली हूँ आधा चम्मच से कम काली मिर्च पाउडर वन थर्ड चम्मच और यहाँ पे मैं ली हूँ एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची चिल्ली फ्लेक्स और आधा चम्मच से भी कम यहाँ पे ली है जीरा पाउडर और नमक डाल देंगे आधा चम्मच और अब इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे बनाना बहुत आसान है बिना कोई झंझट के बन जाता है ना भूनना पड़ता है मिक्सर को ना कुछ बस इसको डालकर मिक्स करना है और अब यहाँ पे मैं ब्रेड क्रंश डाल दी हूँ दो चम्मच ताकि बाइंडिंग अच्छा आए ब्रेड क्रम्स डालने के बाद अब इसे खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे इससे बाइंडिंग में हेल्प होता है और यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिए हैं हाथों पर ऑयल लगा लेंगे ताकि चिपके नहीं और कटलेट का शेप दे देंगे थोड़ा सा पोषण लेंगे और इसको गोल करेंगे इस तरीके से फिर प्रेस करेंगे बीच में और साइड से भी शेप दे देंगे इस तरीके से ताकि अच्छे से शेप में आ जाए कटलेट का और यहाँ पर इस तरीके से शेप दे दिए है यहाँ पर एक कटलेट बन गया है इसी तरीके से बाकी सब भी बनाकर तैयार कर लेंगे यहाँ पे बाकी सबको भी बनाकर तैयार कर, कर लिए हैं माशाल्लाह से कितना कलरफुल दिख रहा है और अब इसे कोट कर लेते हैं तो कोटिंग के लिए स्लरी बना लेते हैं पहले तीन चम्मच यहाँ पे मैदा लिए है थोड़ा सा नमक डाल दिए और पानी डाल दिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गाढ़ा सा घोल बना लेंगे बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाएंगे गाढ़ा सा घोल बनाएंगे ताकि इसमें अच्छे से कोट हो जाए अब कटलेट को डिप करेंगे स्लरी के अंदर और अच्छे से स्लरी लगा लेना है और यहाँ पे स्लरी लगा लिए है तो अब ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और अच्छे से कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम से ब्रेड क्रम बनाने के लिए दो तीन ब्रेड को ले और मिक्सचर जार में डालकर पीस ले सिंपली तो यहाँ पे ब्रेड क्रम बन जाता है और यहाँ पे ब्रेड क्रम अच्छे से कोट कर लिए है तो इसको रख लेते हैं बाकी सब भी इसी तरीके से कोट कर लेंगे यहाँ पर बाकी सबको भी कोट कर लिए है और इसे आप सेट होने के लिए रख दें फ्रिज में पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ब्रेड क्रम अच्छे से सेट हो जाए पंद्रह मिनट बाद इसे फ्राई कर लेंगे अगर टाइम ना हो तो फ़ौर ही फ्राई कर सकते हैं और हाई फ्लेम पे इसको डाल देंगे और एक मिनट के लिए सेट हो तो जाए नीचे से तभी इसे पलटे फ़ौर डालने के बाद ना पलटे और यहाँ पे अब पलट लेंगे और इसे गोल्डन फ्राई कर लेना है बहुत ही ये नरम होते हैं बहुत जल्दी टूटने लगते हैं तो आराम से इसको पलटे थोड़ा सेट हो जाने के बाद और पलट पलट करके गोल्डन फ्राई कर लेना है मीडियम हाई फ्लेम पर और यहाँ पर गोल्डन फ्राई हो गया है तो इसे बाहर निकाल लेंगे और बाकी सब भी इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे यहाँ पे सभी को फ्राई कर लिए है और इसे सर्व करेंगे टोमेटो केचप के साथ शाम में छोटी भूख रहती है उसके लिए सर्व करें या फिर ब्रेकफास्ट में सर्व करें या फिर इसे पाव के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ खाएं कैसे भी खाएं ये कटलेट बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पे फटाफट से झटपट बनकर तैयार हो जाता है कटलेट इसे एक बार जरूर ट्राई करना बहुत ही पसंद आएगा सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के रेसिपीज के साथ